साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड की सुपरस्टार अक्षय कुमार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी नई फिल्म बेल बॉटम रिलीज की है। इस फिल्म में उनके साथ लारा दत्ता, वाणी कपूर और हुमा कुरैशी जैसे अदाकारा भी अहम किरदारों में नजर आ रही हैं। बता दें कि अक्षय कुमार की सबसे बेहतरीन स्पाई थ्रिलर बेल बॉटम कोरोना महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर रेंगती नजर आ रही है। फिल्म ने अपना 9 दिन लंबा वीकेंड खत्म कर लिया है, मगर इसके आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म ने अपने 9वें दिन सिनेमाघरों में केवल 95 लाख रुपए की कमाई की है, जिसे मिलाकर उनकी कुल कमाई लगभग 20 करोड़ रुपए हो गई है। ट्रेड एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि फिल्म बेल बॉटम अपना दूसरा वीकेंड खत्म करते करते सिनेमाघरों में 23 करोड़ रुपये का कारोबार कर लेगी। आपको बता दें कि फिल्म बेल बॉटम की कमाई इसीलिए भी कम है क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र के सिनेमाघर बंद पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक सिनेमाघर खोलने की इजाज़त नहीं दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण वहां के मुख्यमंत्री ने अभी तक सिनेमाघरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है। ट्रेड एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के सिनेमाघर खुले होते तो बेल बॉटम की कमाई 10 करोड़ का इजाफा कर सकती थी। महाराष्ट्र सर्किट से किसी भी बॉलीवुड फिल्म की कमाई का लगभग 30% हिस्सा आता है। वैसे आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।